नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर सिंह है। मैं निमन रोड्स में काम करता हूँ। निमन रोड्स क्या है, इनको हिंदी में सूत्रकृमि बोलते हैं। सूत्रकृमि ज़्यादातर मिट्टी में पाए जाते हैं। हम यहाँ इस लेबोरेटरी में हम दो तरह के सूत्रकृमि पे काम करते हैं। एक तो जो पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं उन पे काम करते हैं, दूसरे है जो है जो कि कुछ सूत्रकृमि ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो हानिकारक कीड़े होते हैं उनको खाते हैं। तो उनको ऐसे सूत्रकृमियों को हम जो है इन कीड़ों को की रोकथाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो जब तक हम जहाँ तक हम बात करते हैं जो हमारे इसमें पौधों को नुकसान पहुँचाने वाले हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं वो कई प्रकार के जो है सूत्रकृमि होते हैं। ये धागे की तरह होते हैं बारीक, और ये नंगी आंख से दिखाई नहीं देते हैं। ये ज्यादातर माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इनको हम देख सकते हैं। ये ज्यादातर मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी में जो है इसमें ये कई प्रकार के सूत्रकृमि होते हैं जो पौधों को इनमें एक तो सबसे ज्यादा जो इनकी जो पहचान होती है इनके जो मुंह होते हैं वो सुई नुमा मुंह होते हैं। सुई की तरह इनके मुंह में एक यंत्र होता है जिसको हम स्टाइलेट बोलते हैं, जिसकी सहायता से ही पौधों की जड़ों को ये जो है जड़ों को में छेद करते हैं और उनके पौधों का जो रस होता है उसको चूसते हैं। उस जो सूत्रकृमि है जो पौधों की जड़ों को बाहर से खाते हैं, वो अंदर नहीं जाते, बाहर से सुई उसमें छेद करते रहते हैं, उसका रस चूसते रहते हैं। दूसरे तरह के सूत्रकृमि होते हैं जो कि आधे जड़ों के अंदर जाते हैं और आधे जो है बाहर रहते हैं, वो भी पौधों को इस तरह से जो है इसमें जड़ों का रस चूसते रहते हैं। तीसरे प्रकार के सूत्रकृमि ऐसे होते हैं कि जड़ों की तरह में पूरी तरह अंदर चले जाते हैं और वो जड़ों के अंदर इसमें बैठ जाते हैं और पौधों के रस चूसते रहते हैं। इसमें जो है इसमें अब ये कैसे नुकसान करते हैं, एक तो ये पौधों को रस चूस के कमजोर कर देते हैं। दूसरा है जो है जहाँ पे सूत्रकृमि क्या कि पौधों को जब ये जड़ों को ये इसमें इंजरी जड़ों में जब इसमें पंक्चर करते हैं, जड़ों में छेद करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि उसमें से बहुत सारे जितने भी जो दूसरे हमारे जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु हैं जैसे फफूंदी है या बैक्टीरिया है वो उससे जो है अंदर चले जाते हैं। उससे कहते हैं कि पौधों में जो नुकसान जो है इसमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमारी का एक कॉम्प्लेक्स जो बीमारी इसमें बन जाती है। तो जो जब जहाँ तक बात करें हम जो इसमें कौन से जो सूत्रकृमि बहुत ही हानिकारक बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं वो है उसमें इनमें जो है एक सूत्रकृमि है जिसको कहते हैं हम जड़ गांठ सूत्रकृमि, जो कि हमारे सब्जियों में इसका बहुत ही इसका जो है प्रकोप है, बहुत ही ये नुकसान पहुंचाते हैं सब्जियों में। ये क्या करते हैं, इनके जो ये ज्यादातर जो निमाटोड्स हैं सूत्रकृमि है ये मिट्टी में होते हैं। जैसे हम कोई फसल लगाते हैं तो ये जैसे पौधा तैयार होता है, जड़ें बनती हैं, तो एकदम ये जड़ों के अंदर चले जाते हैं और जड़ों के अंदर जाके जो है इसमें ये अंदर बैठ के ये जड़ों को ये पौधे को खाना शुरू कर देते हैं, इसका रस चूसना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि जड़ों में जो है इसमें गांठें बन जाती हैं। गांठें बनने से क्या होता है कि इसका जो पौधे की जो क्षमता है भोजन और पानी लेने की वो उसमें कमी आती है, ये पौधे उसको ब्लॉक कर देता है, नीचे से पानी और जो है इसमें खुराक पौधे में जो है इसमें बाधित हो जाती है। उससे क्या होगा कि वो आप लोग उसको फसल को देखेंगे आप तो ऊपर से फसल जो है आपकी जो है इसमें या तो उसमें पीलापन दिखेगा या उसमें उसकी बढ़वार उसकी रुक जाती है इसमें, और जैसे जब तेज धूप होती है तो जो है इसमें फसल जो है मुरझा जाती है। ठीक है, इससे जो है इसमें अभी इसमें एक और चीज देखने वाली बात है इसमें कि ये सूत्रकृमि खेत में टुकड़ों में दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका जो ये इसका जो है हर खेत में ये समान रूप से नहीं पाए जाते, कहाँ जहाँ जहाँ भी होंगे ये वहाँ वहाँ पे जो है इसमें ये सूत्रकृमि वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं और टुकड़ों में जो है इसमें पौधे में इसमें आपको दिखता है कि पौधे की बढ़वार में कमी आती है, पौधों में पीलापन आता है और पौधे मुरझाए पाए जाते हैं। ये है इसका, इसमें काफी जो है नुकसान सब्जियों में हम देखें इसमें बहुत कई सब्जियों में इसमें काफी नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे 10-15% कई फसलों में इसकी पैदावार में इसका जो है इसमें अंतर आता है जो इसमें। और जहां तक जो है हम इनकी बात करें रोकथाम की, तो रोकथाम के लिए जो है हम जो है इसमें जो है मतलब क्योंकि दवाई जो है इसमें जो इसके लिए जो दवाई जो हम डालते हैं बहुत ही जहरीली दवाई होती है, दवाई जब बहुत ही ज्यादा प्रकोप हम दवाई की तरफ जाते हैं इससे पहले दूसरे तरीके हम अपना सकते हैं कि जैसे जो कुछ सब्जियां हैं जैसे हमारी टमाटर है या हमारी शिमला मिर्च है, हमारी बैंगन है या हमारी खीरा है, कद्दू वर्गीय फसलें हैं, इनमें इनका जो प्रकोप ज्यादा होता है, हम करें कि उससे किसी भी खेत में लगातार ही फसल ना लगाएं जहाँ सूत्रकृमि का प्रकोप है वहाँ पे ये इन फसलों को कुछ टाइम के लिए बंद करें, उनकी जगह पे दूसरी फसलें जैसे कि अनाज वाली जो फसलें हैं उसमें जो है ये इनका प्रकोप कम होता है। तो जैसे इनका फेरबदल कर सकते हैं हम कि सब्जियों की जगह हम अनाज वाली फसल लगा दें, फिर 2-3 साल के बाद फिर दोबारा आप सब्जी उसमें लगा सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें है कि जैसे खेत में अगर जैसे हम हल चलाते हैं 2-3 बार गर्मियों में, तो क्या होता है कि जैसे हल से क्या हो कि ये मिट्टी जब खुलती है तो उसके सूत्रकृमि जो है इसमें ये तेज धूप से मर जाते हैं,
जब भी जैसे तापमान 50 डिग्री से ज्यादा होता है तो सूत्रप्रेमी सब मर जाते हैं। तो हल चलाने से क्या होगा, जब हम मिट्टी को खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि सूत्रप्रेमी ये सूर्य की किरणों से ये मर जाते हैं। जो तीसरा जो इसका जो तरीका है इसमें, जैसे हम जैसे दूसरी ये अगर हमारी खादें हैं, जैसे हमारी जैसे गली सड़ी जो FYM गोबर की खाद है, अगर इसका ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं तो वहां पे सूत्रकृमी का जो है इसमें प्रकोप कम होता है। अगला जो है चौथी बात हम ये करेंगे, जैसे जो भी हम जैसे आप जिसमें हम पहले जैसे पौध तैयार करते हैं तो पौध जो है इसमें बिल्कुल जो है इसमें पौध सूत्रकृमी रहित होनी चाहिए, उसमें सूत्रकृमी का प्रकोप नहीं हो। जहां भी हम पौध लगाते हैं उस क्यारी में थोड़ी सी हम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दवाई जो है इनके लिए, जैसे हम सूत्रकृमी के लिए ये एक दवाई आती है कार्बोफ्रान नाम है इसका, फिरोडान के नाम से बाजार में मिलती है। तो कार्बोफ्रान का प्रयोग आप कर सकते हैं, जहां पे आप जहां आपने पनीरी लगानी है उस क्यारी में आप 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर, यानी कि अगर आप 100 ग्राम एक जो है 10 स्क्वायर मीटर की क्यारी है उसमें आप 100 ग्राम आप फिरोडान दानेदार दवाई है उसमें मिला दें, तो उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं। उसमें क्या हो कि आपका जो इसमें जो पौध जो निकलेगी वो बिल्कुल स्वस्थ निकलेगी। अब कैसे पता लगेगा पौध का कि जैसे स्वस्थ है कि सूत्रकृमि से प्रकोपित है, तो जो पौध जो बिल्कुल स्वस्थ होगी उसमें बिल्कुल जड़े बिल्कुल साफ दिखेंगी, लेकिन जो जिसमें सूत्रकृमि होगा उसमें जड़ों में गांठे होती हैं। तो ये आप स्वस्थ पौध तैयार करें। उसके बाद जो दूसरी दिक्कत, अगर खेत में जैसे मानो कि बहुत ही ज्यादा प्रकोप कुछ फसलों में जैसे आप लगानी है, आपने जैसे अदरक वगैरह में बात करते हैं तो अदरक में इसका सूत्रकृमि का बहुत सारा प्रकोप इसमें आता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत जिस खेत में बहुत सारा सूत्रकृमि का अगर है उसमें आप प्रकोप दिख रहा है तो वहां पे आप खेत तैयार करते अदरक लगाने से पहले खेत तैयार करते वक्त आप हम जो है कार्बोफ्रॉन का 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उसमें आप इसे मिला सकते हैं और बाद में आप बिजाई कर सकते हैं। तो ये इसका इस तरह से जो है इसमें हम जो है सूत्रकृमि से हम इसको बचा सकते हैं। दूसरे तरह के जो हम निमाटोड्स पे जो हम काम करते हैं वो हमारे जो जितने भी हानिकारक कीड़े हैं, जब हम कीड़ों की बात करें कि जैसे हम जैसे कटुआ कीड़ा है या सफेद लट है जो मिट्टी में कीड़े रहते हैं, तो उनके लिए हमारा ग्रुप है कीड़ों सूत्रकृमियों का जो कि इनको खाता है। जैसे इसमें दो तरह के है, इसमें स्टैंडर्ड नीमा हेटेरोडाइटिस, दो तरह के छोटे छोटे ये सूत्रकृमि है जो कि इन सफेद लट है या कटुआ कीड़ा है ये जो मिट्टी में कीड़े रहते हैं उनको खाते हैं। क्या वैसे जो बाहर भी जैसे जो इसमें फसल के ऊपर कीड़े आते हैं उनको भी ये खाते हैं, लेकिन फसल के ऊपर हम इनको छिड़काव करें तो इनका छिड़काव उतना कामयाब नहीं रहता, क्योंकि ये जैसे हम छिड़काव करते हैं तो ये धूप से इनके मरने के चांस होते हैं। लेकिन जो मिट्टी वाले कीड़े हैं उनको ये उनको मारने के लिए जो है ये कीड़े बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं। जहां 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 भी आप कटुआ कीट का प्रकोप है या सफेद लट का प्रकोप है वहां पे जाके इन कीड़ों इन सूत्रकृमियों का आप हम जो है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो है इसमें जो इसमें कीड़े दिख रहे हैं इसमें सूत्रकृमि लगे हुए हैं इसमें, तो इसको हम इनको इनकी जो लेबोरेटरी में इनको हम इनको इनकी पैदावार बढ़ा रहे हैं ताकि हम जब खेत में जाके कहीं भी जाके इनको आप किसी फसल में डाल सकते हैं। एक जो इसमें कीड़ा दिख रहे हैं ये कीड़े में कम से कम भी हम जो है इसमें 1 लाख के आसपास जो सूत्रकृमि तैयार कर सकते हैं। ये जो एक तो हम कीड़े में तैयार कर सकते हैं, दूसरा जो है इसमें जो फ्लास्क आप देख रहे हैं तो फ्लास्क में भी आप जो है इसमें ये इसका मीडिया है, मीडिया में भी हम ये जो है इसमें कीड़ों को खाने वाले सूत्रकृमि तैयार कर सकते हैं। तो एक फ्लास्क में कम से कम भी हम 30 से 35 लाख जो है आप सूत्रकृमि इसमें तैयार किए जा सकते हैं, जिनको हम खेत में जहां जहां भी कीड़ों का प्रकोप होता है वहां पे इनको हम खेत में डाल सकते हैं।